हेलो किसान मित्रों, मैं अमन पाटीदार खेतीबाड़ी XYZ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गेहूं में सिंचाई कब कब करें। अगर आपके खेत में नमी हो, तो आप गेहूं में पहली सिंचाई ना करें और आगे की सिंचाई 21 दिन पर करें, मतलब दूसरी सिंचाई 21 दिन पर। नमी है उसको नहीं माना तो पहली सिंचाई 21 दिन पर करें, दूसरी सिंचाई करें आप 42 दिन पर, तीसरी सिंचाई करें आप 62 दिन पर। किसान भाइयों, आप चौथी सिंचाई करें 82 दिन पर या 84 दिन पर, और उसके बाद आप करें 100वें दिन पर सिंचाई, और छठी सिंचाई आप कर सकते हैं 120 दिन पर। आप देख सकते हो किसान भाइयों, हमने यहाँ पर बेसल डोज नहीं डाला है हमारे खेत में कुछ भी। हाँ तो किसान भाई, अभी तक आपने देखा कि हमने 6 सिंचाई करी है और हमने आपको बताया है कि आप कितने कितने दिन पर आपके खेत में सिंचाई करें। अगर अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके खेत में कितने पानी है गेहूँ में देने के लिए आपके पास, उस हिसाब से आप आपके खेत में सिंचाई कैसे करें। अगर आपके पास 2 पानी है तो आप कब कब सिंचाई करें आपके खेत में। अगर आपके पास 3 पानी है तो आप कब कब सिंचाई करें आपके खेत पर। अगर आपके पास 4 पानी है तो आप कब कब करें सिंचाई आपके खेत पर। ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जिन जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं ऐसे ही जानकारी आपको देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।